फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। मैं पूनम मिश्रा, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जी हाँ ASMC प्रतापगढ़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, इस कॉलेज में MBBS की कितनी टोटल सीटें हैं और ऑल इंडिया कोटे के तहत 2021 की स्कोर कट ऑफ क्या थी, साथ ही में स्टेट की स्कोर कट ऑफ क्या थी ये भी डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि 2022 की इस कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो प्लीज़ एंड तक का मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2021। ये कॉलेज जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। टोटल यहाँ पे 100 सीटें हैं और इस कॉलेज का जो एड्रेस है वो WXP8+6M7 अनेम रोड, पूरे केशवराय, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 36,000 पर ईयर ट्यूशन फीस है इस कॉलेज की। अब बात करते हैं पिछले साल 2021 की ऑल इंडिया कोटे के तहत जो काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो 2021 में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 620 पे गई थी, और EWS की थी 619, OBC की थी 616, और SC की थी 521, और ST की थी 493। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया कोटे के तहत। अब देखते हैं 2021 की स्टेट कोटे के तहत क्या कट ऑफ गई थी 2021 की। तो जनरल जी की गई थी 603, और जनरल कैटेगरी गई थी 602, और EWS जनरल की गई थी 601, और EWS की गई थी 600, और आपकी गई थी BCG गई थी आपकी गर्ल्स की 599, और BC गई थी आपकी 598, और EWS की गई थी आपकी 598, और SCG की गई थी, SC गर्ल्स की गई थी 458, और SC की गई थी 457, और आपकी गई थी BC FF की गई थी 349, और GNFF की गई थी 277, और ST G की गई थी 254, और ST की गई थी 248, BC PH की गई थी 190। 2022 की अगर इंस्पेक्टर कट ऑफ देखी जाए इस कॉलेज की, तो जनरल कैटेगरी की जानी चाहिए आपकी 600 प्लस पे जनरल कैटेगरी की जानी चाहिए। OBC की भी आपकी लमसम ऐसे ही जानी चाहिए 599 करीब, 600 प्लस इसमें भी होने चाहिए। OBC का भी, EWS का भी 600 प्लस जाना चाहिए, और SC का जाना चाहिए आपका लगभग 510 के करीब, और ST का जाना चाहिए 485 के करीब। तो ये कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अगर सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड तक अगर आप वेट करते हैं तो जनरल कैटेगरी का लगभग आपका 595 तक का आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ नीचे आ जाना चाहिए। तो ये भी कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अभी नया इस्टेब्लिश हुआ है, और फैसिलिटी भी इस कॉलेज की अच्छी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की रैंकिंग में देखते हैं तो इस कॉलेज का नंबर जो है 230 पे आता है, 230 की रैंकिंग में है, और अगर उत्तर प्रदेश की स्टेट रैंकिंग इसकी जो है वो 29 नंबर पे है कॉलेज। फ्रेंड्स, अब हम बॉन्ड डिटेल की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कोटे के तहत सीटें फिल करते हैं तो आपको उस स्टेट की आपको बॉन्ड ज़रूर पता होना चाहिए। इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बॉन्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपका MBBS सिलेक्शन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे 2 साल का सर्विस बॉन्ड देना है, या फिर आपको पेनाल्टी तौर पे 10 लाख की आपकी पेनाल्टी रहेगी। साथ ही में अब देखते हैं स्टेपेंट क्या होती है, तो 17,000 पर मंथ इसके स्टेपेंट है। जो मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आपके लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। जो स्टूडेंट्स UP के हैं वो इस गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।